अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 6वां लेक्चर है। इसमें हम कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और ये जिन चीज़ों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ माउस का बटन प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो ही जाएंगी। ठीक है, अब इनको मैंने करना है कॉपी, तो इधर से मैं करता हूँ कॉपी, या फिर शॉर्टकट है Ctrl+C, Ctrl+C किया मैंने। अब इधर मैंने इसको पेस्ट करना है, तो इसकी शॉर्टकट है Ctrl+V, या इधर से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट से करता हूँ Ctrl+V। ये सी में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसकी परमिशन चाहिए। इधर ही करते हैं इसको, इसमें इधर पेस्ट करते हैं। ये देखें, ये पेस्ट हो गया, या Ctrl+V से भी हो जाएगा, ये रिप्लेसअब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कट करना है अब Ctrl+X इसकी शॉर्टकट है, या फिर इधर से कट करेंगे और वो इधर से ख़त्म हो जाएगा और दूसरी साइड में जिधर हम पेस्ट करेंगे उधर आ जाएगा। ये मैं अब माउस से कर रहा हूँ पेस्ट, तो ये पहले भी हैं इसलिए ये रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं F1 प्रेस करेंगे अगर तो हेल्प, विंडोज़ की हेल्प ओपन हो जाएगी। इधर से हमने अगर कुछ सर्च करना है, कोई हेल्प कर लेनी है तो इधर से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसको किया डिलीट, और अब Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा, यानी कि अंडो हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर मैं वापस उसी को डिलीट करना चाहता हूँ Ctrl+Y ना दबाएंगे तो Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो ये रीड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी फाइल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो ये इसका रीनेम हो जाएगा, अगर नेम चेंज करना है किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद अगर हमने सर्च करना है कीबोर्ड से, माउस से नहीं करना चाहते, F3 प्रेस करेंगे तो ये सर्च बार में कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा इधर, जो भी हमने सर्च करना है। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ क्रोम, तो ये गूगल क्रोम आ गया। ठीक है, उसके बाद Alt+Tab प्रेस करेंगे तो जो जो एप्लीकेशंस चल रही हैं वो आ जाएंगी, उसको स्वैप कर सकते हैं, जो चलाना चाहें उस उधर से चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद Ctrl+F4 दबाएंगे तो यहाँ से हम एड्रेस लिख सकते हैं, जैसा कि डी में से मैंने किसी फोल्डर में जाना है, न्यू फोल्डर, तो ये उधर से न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो Shift+F10 प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग्स जो या ऑप्शंस जो हैं वो इधर से ओपन हो जाएंगे। उसके बाद Ctrl+Alt और टैब दबाएंगे तो भी ये वही काम करेगा जो Alt+Tab करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने शॉर्टकट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।